Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with Motherworld, the world where it's your all access solution. आज हम जानेंगे conditional formatting के through किस तरीके से आप अपने लिए एक search box बना सकते हैं जिसके through आप अपने data set के किसी भी value को या किसी भी particular information को आप जान सकते हैं. तो हमारे सामने जो data set है वो है Motherworld के employees, उनके department and particular salary जो उनको मिलती है month में, commission, total salary, date of joining जब उन्होंने Motherworld के साथ अपनी journey start की थी और उन्होंने 2018 में कितना sales Motherworld को दिया है. फिलहाल आपको डेटा सेट समझना नहीं है, सिर्फ आपको जानना है कि किस तरीके से हम अपनी कंपनी के लिए एक सर्च बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं सो दैट आप अपनी सीनियर्स को जब अपना डेटा सेट दिखाए तो उन्हें वही इंफॉर्मेशन मिले जो वो जानना चाहते हैं. तो हम बनाएंगे कैसे सर्च बॉक्स? तो हमारे सामने Motherworld सर्च बॉक्स है पर इस समय हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि हमने फॉर्मूला को एग्जीक्यूट नहीं किया है. तो जान लेते हैं. सबसे पहले आपको अपने डेटा सेट को सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के लिए प्रेस करिए कंट्रोल एंड ई. आपका डेटा पूरी तरीके से सेलेक्ट हो गया है. अब आप जाइए होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और यहाँ पर न्यू रूल एंड आपको सेलेक्ट करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच क्लिक्स सेल्स टू फॉर्मेट और यहाँ पे आपको लिखना है सर्च और सर्च लिखेंगे इक्वल्स टू के बाद search क्योंकि हमें सर्च करना है और यहाँ पे ओपन द ब्रैकेट और ओपन द पैरेंथेसिस और हमको यहाँ पर बताना है कि मुझे जो भी वैल्यूज हो यहाँ पर एंटर हो वहीं से मुझे सर्च करना है. तो कॉमा दीजिए और अब आपको आपके डेटा के रेफरेंस बताने हैं जो भी आपके डेटा में इस समय लिखा हुआ है. तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर डॉलर का साइन देना है सो दैट वो वैल्यूज फिक्स हो जाए. इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट एंड 4. उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए A1 और मेरा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो A3 से हो रहा है A3 और उसके बाद आपको लिखना है उसके बाद आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है क्योंकि ये बार बार आपका जो होगा वो रिपीट होगा. कंट्रोल सी और फिर यहाँ पे कंट्रोल बी. यहाँ पर ए की जगह अब आपको लिखना है बी. सेकेंड वापस आप प्रेस करिए और यहाँ पर आपको लिखना है सी. कंट्रोल बी और यहाँ पर हम लिखेंगे डी. देन ई. कंट्रोल बी और हमारा जो डेटा है वो जी तक है तो हमें यहाँ पर प्रेस करना है एफ एंड कंट्रोल बी और यहाँ पे हम जी लिखेंगे और यहाँ से जो हमारा एंड साइन है उसे निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लोज द ब्रैकेट और क्लोज द पैरेंथेसिस. फॉर्मेट करना है तो मुझे किस कलर को इस समय चूज करना चाहिए? फिल और यस Motherworld का जो साइन है वो ग्रीन तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस ओके और आपका पूरा ही डेटा इस समय सेलेक्ट हो गया. घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. अब आप जो लिखेंगे वही आपके सामने आएगा. सिंपली ये सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आ जाइए और लिखिए जिसका भी आपको नाम इस समय जानना है. तो मुझे इस समय आसिफ के बारे में जानना है कि उन्होंने किस दिन को यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी. जस्ट अ सेकेंड. आसिफ स्टार्ट हुआ है मिस्टर आसिफ से सर. ओके आसिफ खान. कंट्रोल सी और मुझे इस सर्च बॉक्स में तो आसिफ खान ने 10 दिसंबर 2014 को Motherworld के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और इस समय 2018 में उन्होंने जो सेल दिया है 2354. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. आसिफ, अनुराग, प्रवीण, जिसका भी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे उसके पूरे ही Motherworld के साथ उनकी जर्नी कैसी रही है वो दिखा सकते हैं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आप इसे बना के यूज़ करके देखिए कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय. टेक केयर योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विथ Motherworld.